मन का यू नो आप देश दुनिया घूमती हैं, बराक ओबामा जो कि आप मिली हैं, अब अफगान और तालिबान वाला जो चीज़ है इसको आप देखती कैसे हैं, और ख़ासतौर से महिलाओं के उस पर अगर आप मैं आपकी बात करूँ। देखिए महिलाएं जब भी ऐसी सिचुएशन होती है महिलाएं तो उसमें पिसती ही हैं, जो कैजुअलिटी है वो महिलाओं और बच्चों के साथ ही होती है। और अभी जो हम ये वीडियोस देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं अफगानिस्तान की, उसमें महिलाओं के साथ ये सब बुरा हो रहा है। और मैं तो पढ़ रही थी अभी छोटी छोटी बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं बुज़ुर्ग इंसानों से, वो अब तालिबान से बचने के लिए कह रहे हैं कि मेरी जो शादी बुज़ुर्गों से हो रही है, गैंग रेप्स हो रहे हैं, तो बहुत ही शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ अफगानिस्तान। आपका भी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि पापा आपके इस तरह के पोजीशन में रहे हैं जहाँ इन बातों को आप भी समझती हैं, आपका आपके अपने विचार इसके लिए मामले में? आई थिंक एक जगह हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कितना भी हम कहें कि इंडिया में रेप होता है, ये होता है, वो होता है, बट आई स्टिल फील हम लोग बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ हम अफगानिस्तान की बात करें, आई वॉज रीडिंग कल ही एक आर्टिकल कि कैसे जो 13, 14, 15 जब तक गर्ल्स डेवलप नहीं होती उस उम्र की जो लड़कियां हैं उन्होंने क्या बच्चियां हैं, लड़कियां भी बच्चियां हैं, उन्होंने क्या शुरू किया अपने आप को, लड़कों किस तरह ड्रेसअप कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं, शेव कर रहे हैं ताकि थोड़े थोड़े बाल आ जाए, जस्ट सो अफगानिस्तान में वो लोग बाहर जा सकते हैं अपने घर से विदाउट बींग स्केयर्ड। यू नो देन देर वॉज अनदर न्यूज़ की अमेरिका में दे डिसाइडेड इन वन ऑफ द स्टेट्स की अगर कोई आपका रेप करता है एंड यू गेट प्रेगनेंट यू कैन अबॉर्ट। सो इट्स आई थिंक ये सब रूल्स मर्दों ने बनाए हैं, इट इज आई मीन इट्स द प्रॉब्लम, इट्स अ वॉर अगेंस्ट वुमेन इन जनरल अबाउट एनी वुमन। कोई सक्सेसफुल है तो भी आप बोलेंगे अरे इसने इसके साथ कुछ किया, कोई सुसाइड कर लेता है उसमें भी आप औरत को ब्लेम करते हैं अरे इसकी गर्लफ्रेंड ने किया होगा, यू नो कोई लड़का बदतमीज होता है माँ ने सिखाया। So it's a generally in the world there's a war against women and I think people now need to realize औरत की गलती नहीं है, you know हर चीज़ just because we are the weaker sex इसका मतलब ये नहीं है कि you know we are at fault, we are weaker sex physically but हमारी body ऐसी बनाई गई है, but that's why even women are more beautiful, right? But I think I mean I don't know यार, I really hope times change, I really 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 hope times change। जो 13, 14, 15 जब तक girls develop नहीं होती उस उम्र की जो लड़कियाँ हैं उन्होंने क्या बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ भी बच्चियाँ हैं, उन्होंने क्या शुरू किया अपने आप को, लड़कों किस तरह ड्रेसअप कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं, शेव कर रहे हैं ताकि थोड़े थोड़े बाल आ जाए, जस्ट सो अफगानिस्तान में वो लोग बाहर जा सकते हैं अपने घर से विदाउट बींग स्केयर्ड। यू नो देन देर वॉज अनदर न्यूज़ की अमेरिका में दे डिसाइडेड इन वन ऑफ द स्टेट्स की अगर कोई आपका रेप करता है एंड यू गेट प्रेगनेंट यू कैन अबॉर्ट। सो इट्स आई थिंक ये सब रूल्स मर्दों ने बनाए हैं, इट इज आई मीन इट्स द प्रॉब्लम, इट्स अ वॉर अगेंस्ट वुमेन इन जनरल अबाउट एनी वुमन। कोई सक्सेसफुल है तो भी आप बोलेंगे अरे इसने इसके साथ कुछ किया, कोई सुसाइड कर लेता है उसमें भी आप औरत को ब्लेम करते हैं अरे इसकी गर्लफ्रेंड ने किया होगा, यू नो कोई लड़का बदतमीज होता है माँ ने सिखाया। सो इट्स अ जनरली इन द वर्ल्ड इज अ वॉर अगेंस्ट वुमेन एंड आई थिंक पीपल नाउ नीड टू रियलाइज औरत की गलती नहीं है, यू नो हर चीज़ जस्ट बिकॉज वी आर द वीकर सेक्स इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो वी आर एट फॉल्ट, वी आर वीकर सेक्स फिजिकली बट हमारी बॉडी ऐसी बनाई गई है, बट दैट्स वाई इवन वेमेन आर मोर ब्यूटिफुल, राइट? बट आई थिंक आई मीन आई डोंट नो यार, आई रियली होप टाइम्स चेंज, आई रियली 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 होप टाइम्स चेंज।